कारोबारी विष्णु अग्रवाल से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। रांची के ईडी ऑफिस में करीब 8 घंटे तक विष्णु अग्रवाल से सवाल जवाब किया गया है। जमीन घोटाले में ईडी ने उनसे कई सवाल पूछे हैं। पूछताछ के लिए विष्णु अग्रवाल करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद चिशायर होम समेत कई जमीनों को लेकर उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। इस दौरान ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन से उनके रिश्तों को लेकर भी सवाल किए हैं। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, जमीन घोटाले मामले में लेकर तल्ख सवालों के का सामना हुआ है विष्णु अग्रवाल का। देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से जमीन घोटाले और सेना से जुड़े जमीन के घोटाले से जुड़े मामले को लेकर के आज विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ठीक 11 बजे विष्णु अग्रवाल ईडी दफ्तर पहुंच भी गए थे। उसके बाद लगातार विष्णु अग्रवाल से कई तीखे सवाल पूछे गए हैं, जो कि छवि रंजन से सेना से जुड़े जमीन और अन्य जमीन से जुड़े विवादों के घेरे में विष्णु अग्रवाल थे और उनसे लगातार कई सवाल पूछे गए हैं। यहाँ तक कि छवि रंजन से जुड़े रिश्तों को लेकर के भी पूछा गया। पूछा ये भी गया कि किस तरह से छवि रंजन को गोवा की टूर कराई गई और विभिन्न जगहों पर भेजे गए थे। इनके अलावे हर विवादित जमीन के बाद विष्णु अग्रवाल का नाम सामने आ रहा था। इस पूरे मामले को लेकर के ईडी ने जिस तरह से लगातार कई घंटे तक पूछताछ की और पूछताछ के बाद ठीक 7:45 बजे ईडी दफ्तर से विष्णु अग्रवाल निकले और अपनी गाड़ी पे बैठकर अपने घर की ओर रवाना हो गए। और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत जल्द विष्णु अग्रवाल को फिर से समन जारी करते हुए पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और आगे भी इस पूरे मामले पर पूछताछ संभव है। तो कहीं ना कहीं इस पूछताछ के बाद कई अन्य लोगों के नाम भी पूरे मामले में सामने आए हैं। कई अन्य लोगों की कार्यशैली भी सामने आई है कि किस तरह से सेना से जुड़े जमीन के मामले हो या फिर निजी जमीन के मामले में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई थी और पिछले दिन इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस पूरे मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन की भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से ही विष्णु अग्रवाल का नाम चर्चा में था। तो इस चर्चे के बाद जब आज पूछताछ के लिए बुलाया गया तो तकरीबन 8 से 9 घंटे तक ईडी दफ्तर में मौजूद थे विष्णु अग्रवाल और कई अलग अलग अधिकारियों ने विष्णु अग्रवाल से पूछताछ की और दस्तावेजों को दिखा करके, जो दस्तावेजों को पिछले दिनों ईडी ने जब्त किए थे, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, कई चैट के आधार पर, कई जानकारियां ईडी को जो मिली थी उससे क्रॉस कराया गया ताकि इस पूरे मामले पर जानकारी हासिल की जा सके और फिर ईडी इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई करेगी। क्योंकि आने वाले दिनों में जेल अधीक्षक और जो अधिवक्ता है उनसे भी पूछताछ किया जाना है। तो इस पूरे मामले को जमीन से जोड़ करके जिस तरह से देखा जा रहा है, जो गड़बड़ियां हुई थी, तो जो विष्णु अग्रवाल की तरफ से जानकारी दी गई, जो जानकारी ईडी चाहती थी, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आज पूछताछ की गई है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कई नए नाम जुड़ेंगे। जी, जाहिर तौर पर जो इनपुट्स मिले होंगे विष्णु अग्रवाल से उसके आधार पर कई और नाम जुड़ सकते हैं और छवि रंजन के साथ विष्णु अग्रवाल के रिश्ते भी जग जाहिर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम बातचीत तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।